भारतीय राजनीति के पितामह और आज के दिग्गज नेताओं के आदर्श भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका कल यानी 16 अगस्त के दिन गुरुवार को शाम 5:05 पर निधन हो गया। वहीं एम्स के डॉक्टर्स ने अटल जी की हालत को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया था, जिसमें बताया गया कि उनकी हालत बीते 36 घंटों में बिगड़ गई। तो आज हम आपको बताते हैं कि उस 36 घंटे में आखिर क्या हुआ जो अटल जी को एम्स के दिग्गज डॉक्टर्स भी बचाने में नाकाम रहे। तो शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, दरअसल अचानक से अटल जी की तबीयत बिगड़ गई, उसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया। वो दिन था 11 जून का, जब अटल जी को गुर्दे यानी कि किडनी में नली में संक्रमण हो गया था, छाती में जकड़न की समस्या भी उन्हें हुई थी और मूत्र नली में भी संक्रमण की समस्या थी, जिस वजह से उन्हें एम्स में भेजा गया था। वहीं एम्स की विज्ञप्ति में कहा गया कि वाजपेयी जी को 11 जून 2018 को एम्स में भर्ती कराया गया था और डॉक्टर्स की निगरानी में पिछले 9 सप्ताह से उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी। उस वक्त कभी भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आई जो लगा हो कि अटल जी की हालत गंभीर है, लेकिन एम्स के अनुसार दुर्भाग्यवश उनकी स्थिति पिछले 36 घंटों में अचानक से बिगड़ गई और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली में रखा गया। आपको बता दें कि जीवन रक्षक प्रणाली वह प्रणाली होती है जब शरीर के महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देते हैं तो उन्हें चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब आपके शरीर के अहम हिस्से काम करना बंद कर देते हैं तो जीवन रक्षक प्रणाली का यूज कर उन शरीर के अंगों को काम करने योग्य बनाया जाता है और जब वो काम करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद उन्हें हटा लिया जाता है। लेकिन अटल जी के साथ उल्टा हुआ। बढ़ती उम्र, 93 वर्ष के थे अटल जी और जब उन पर जीवन रक्षक प्रणाली रखी गई तो दिनों दिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और धीरे धीरे उनके शरीर ने रिकवरी करने के बजाय और भी ज़्यादा परेशानियों को बढ़ा दिया और डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद भी आज उन्हें हम बचाने में नाकाम हो गए और उन्हें खो दिया। इस दुख भरी स्थिति में हम उनके साथ हैं और पूरा देश उनके सम्मान के लिए खड़ा है। क्यूरियन हेल्थएक्स की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।